अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं अनबॉक्स फन चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग ने कुछ दिन पहले अपने बहुत से एस सीरीज़ के मोबाइल लॉन्च किए हैं इसके बारे में। इनमें से एक मोबाइल जिसका नाम S20 Ultra है, वो इसमें सबसे पावरफुल डिवाइस है और आज हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर OS के बारे में बात करें हम, तो इसके अंदर एंड्रॉयड 10 OS 1 UI 2.0 के साथ आता है ये, और इसका वेट जो है 222 ग्राम है। इसके अंदर आपको सिम स्लॉट में, अगर इसकी सिम स्लॉट चेक करें तो इसमें हाइब्रिड सी ड्यूल सिम डलती है। 5G सपोर्टेड फ़ोन है ये। इसके अंदर CPU जो है ऑक्टा कोर है और चिपसेट इसका जो है Xeon 997 नैनोमीटर प्लस का, और ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है। इसका GPU जो है Mali G77 MP11 है, और इसके अंदर जो डिस्प्ले जो है डायनामिक एमोलेड कैपेसिटी टच स्क्रीन लगाई गई है, और इसका साइज़ जो है 6.9 इंचज़ का है। इसके अंदर प्रोटेक्शन जो लगाई गई है वो Gorilla Glass 6 की है, और ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर और 120 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ स्क्रीन आती है। इसके अंदर जो मेमोरी है वो 128 और 156 GB के वेरियंट्स अवेलेबल हैं, 12 GB रैम और 16 GB रैम के साथ साथ। 16 GB रैम बहुत ज़्यादा आती है, और इसके काफ़ी वेरिएंट्स हैं और जो जल्द ही पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी मेन हाईलाइट जो है इसका क्वाड कैमरा सेटअप है। जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, जो कि 1.8 अपर्चर के साथ आता है, और इसके अलावा एक वाइड एंगल लेंस है जो 48 मेगापिक्सल का है, और एक टेलीफोटो लेंस है और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है जो आपको 10x हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसके अंदर 100x टाइम तक जूम कर सकते हैं, 100x। इसके अलावा इसके अंदर और काफ़ी फीचर है। फ्रंट साइड पे इसके ऊपर वाली साइड पे 40 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो अपर्चर 2.226 mm वाइड है, जो ड्यूअल वीडियो, ऑटो HDR वीडियो, इस तरह के हर फीचर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप इसके बैक कैमरा के 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा के, जो मेन कैमरा है इसका, उससे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तानी मार्केट में कोई 8K LCD वगैरह कुछ आई हैं जिस पे आप देख सकते हैं, लेकिन सैमसंग ने ये फ़ीचर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा इसमें आपको NFC और इस तरह के काफ़ी सेंसर मिलेंगे। इसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देख। इसके अंदर जो बैटरी की कैपेसिटी है 5000 mAh की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके साइज़ और इसकी स्क्रीन साइज़ के लिहाज से ये काफ़ी ठीक बैटरी है, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के साथ स्क्रीन लगाई गई है। और इसकी प्राइस भी जो एक्सपेक्टेड की जा रही है वो तकरीबन 2,20,000 के करीब करीब पाकिस्तान में मार्केट में आएगा, और यही है इसकी स्पेसिफिकेशन। अगली वीडियो का हमारे इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक किया करें। मैं हर हफ्ते अपनी एक वीडियो अपलोड किया करूँगा। आप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं भी किया तो फिर भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज़ लाते ही रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।